नमस्कार, विजय केसरी के लाइव पेज पे आपका स्वागत है। फिलहाल लाइव तस्वीरें बल्टाना के ही एक निवासी हैं और एक दुकानदार व्यापारी वर्ग के आदमी हैं जिनसे हम बात करके दिखाएंगे। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखाएंगे जो उनकी दुर्दशा है वो आपको खून से नज़र आ रहा होगा। आपको इनका हाथ कट चुका है, लेकिन बात क्या है और वो क्या दिक्कत परेशानी आई है फिलहाल आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब जानने की बात करें, कोशिश है क्या दिक्कत परेशानी थी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं नाम बताइए सर पहले अपना। मेरा नाम सरव सरवन सिंगला है। सरवन जी, क्या दिक्कत है, ये कैसे हाथ में चोट कैसे लगी? सर, मेरे दफ्तर के बाहर 6 कॉलोनियों को पानी आता है जी, और मैंने ढिलो साहब को भी बोला है, मिंटा जी को बोला है, अनिल जैन जी को बोला है, राम कुमार गुज्जर जी को भी बोला है, बट उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। और जब भी बारिश आती है ये मैंने खोलना पड़ता है। आज मैं इसको खोलने लगा तो मेरा हाथ कट गया, आप देख रहे हो सारा हाथ मेरा। सर को बोलूँगा एक बार दिखाने के लिए, हाथ जो है इनका कितना कटा हुआ है, फिलहाल तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, खून जो है हाथ लथपथ हो चुके हैं, सारा रुमाल मेरा लाल हो गया, हाथ पे चोट लग गई जी। आप बताओ ये कमेटी को करना चाहिए या ढिलो साहब को करना चाहिए, उनको भी रिक्वेस्ट बोली हुई है मैंने, हैं, बट मेरी कोई सुनवाई नहीं है सर। अब मेरा हाथ कटा है, अगर खुदा ना खास्ता। आपने अगर बात करी जाए जब ये पानी भरा हुआ था, ये कब से पानी भरा हुआ था? ये तो सर कई सालों से भरता है, ये तो कई सालों से पानी। आपने इसके लिए कहीं कंप्लेंट करी? कोई कंप्लेंट करी है सर, मैंने मिंटा जी को भी इसकी फोटोआँ भेजी हैं, ढिलो साहब की भी फोटोआँ भेजी हैं, अनिल जैन जी को भी भेजी हैं, पूरा बल्टाना डीलर एसोसिएशन को भी भेजी हैं, बट मेरी कोई सुनवाई नहीं है सर। प्रशासन जो है नींद की गोलियां खा के सोया हुआ है। हाँ, प्रशासन नींद की गोलियां खा के सोया पड़ा है जी, अरे मेरी कोई सुनवाई नहीं है सर। मेरा हाथ कट गया, मेरे खून आ गए हैं, अब ये अगर मैं पानी ना खोलूँ तो मेरा शोरूम गिर जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिखाएंगे आपको तस्वीरों में फिलहाल शोरूम जो ये पानी है, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाने की, जो नींव है जो पानी इतना भर जाता है कि जो इनका व्यापारी वर्ग है, जो इनका शोरूम है, वो कहीं ना कहीं नींव जो है पानी के रिसाव से नींव खराब होने का खतरा जरूर बना रहता है। फिलहाल बात करी जाए जो ये गटर है ये तकरीबन जाम रहता है, और ये यहाँ के निवासी जो है व्यापारी वर्ग जो है अपना काड़ा भाई जो कहना है, इनका कहना ये है कि जो ये गटर है ये जाम रहता है, और कई बार प्रशासन को बोलने के बाद, कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ढिलो साहब को भी मैंने फोटोआँ भेजी हैं जी, मिंटा जी को भी भेजी हैं, अनिल जैन को भी भेजी है, राम कुमार जी को भी भेजी हैं, बट मेरी कोई सुनवाई नहीं है जी। अब जब बात करी जाए, जब ये सब खुल चुका है, प्रशासन की मतलब लापरवाही बरती कर कही जाए या किस तरह की व्यवस्थाओं की कमी बताई जाए, क्या दिक्कत परेशानी है ये? दिक्कत तो है ही है सर, पानी भर जाता है जी, ना मिंटा जी सुनते ना ढिलो साहब सुनते। इलेक्शन का टाइम है तो अब कोई ना कोई तो जरूर सुनेगा आगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सब सुनेगा जी। कुछ नहीं सुनता कोई जी, भाजी ये तो हमारे हाथ पैर कटने हैं, हमारा शोरूम गिरना है। आपके शोरूम गिरने से सरकार को क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, आपके शोरूम गिरने से सरकार को क्या फर्क पड़ता है? उनको ही फर्क पड़ेगा जी, जब उनको मैंने 20 बारी बोल दिया भाई यहाँ पानी भरता है, इस पे कुछ करा दो, अगले समाधान ही नहीं करते, ढिलो साहब नहीं करते, कोई नहीं करता जी। ठीक है, तो अब ये जो आपका शोरूम आज आपने बंद किया हुआ है? बंद किया हुआ है सर, आज छुट्टी थी। ये आपको पता है शनिवार और रविवार को जो सरकार ने है दुकानें बंद कर दी हैं, शनिवार रविवार को दुकानें बंद रहेंगी, तो वहीं पर सेंसर सर्विस की बात करी जाए, जैसे कि राशन की दुकान हो गई, दूध दही की दुकानें हो गई, प्रशासन ने उनको बोला है खोल कर रखने, लेकिन कल बल्टाना प्रशासन की बात करी जाए, बल्टाना पुलिस की बात करी जाए, तो सारी दुकानें बंद करा दी गई। सर मेरी तो दुकान बंद थी, मेरा तो प्रॉपर्टी का काम है, काला सिंगला सिंगला प्रॉपर्टी के नाम से मेरा ऑफिस है, मैं तो सिर्फ बारिश घर से अभी आया था, बारिश देखने के लिए, वजह से भाई कल को मेरे ऑफिस में कोई पानी तो नहीं खड़ा। वैसे अगर आपने देखा, अच्छी बात है आप, क्योंकि आपका शोरूम है, आपको अपनी शोरूम की हिफाजत करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें शायद आपको ना पता हो, आपसे आधा किलोमीटर दूर जो पुलिस चौकी है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। अब अगर बात करी जाए, खुद पुलिस प्रशासन जो है वो डूबा हुआ है, पुलिस प्रशासन खुद प्रशासन की मदद चाहता है, तो मदद यहाँ पर प्रशासन कैसे करेगा? शासन डूबा रहे बट लोग तो नहीं डूबने चाहिए ना सर। वोट आपने दिया है ना सर? हाँ जी, हमने वोट दिया, ढिलो साहब को वोट दिया है जी, हम तन मन धन से उनके साथ हैं, बट फिर आज ढिलो साहब आपकी मदद करने के लिए सामने नहीं आए? कभी नहीं आए ढिलो साहब जी। अच्छा, कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए ढिलो साहब हमारे पास, ना उन्होंने हमारी, मैंने फोटोआँ भी भेजी थी यहाँ पे पानी की, पहले भी भेजी थी, मिंटा जी को भी भेजी थी। आपकी जो ये बात है ये हम आला अधिकारियों तक और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तक और SDM और DM तक जरूर देखेंगे। फिलहाल इनका खून है, हाथ टूट जाता और हाथ कटा हुआ, फिलहाल इसके देख रेख के लिए कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल आपकी बात जो है वो ऊपर तक जरूर लेके जाएगी। प्रशासन की जो ये खबर है, जितना हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि प्रशासन की जो नींद है वो खुल सके। फिलहाल प्रशासन की नींद जो है खुलनी जरूरी है, क्योंकि अभी अभी आपसे हमने दिखाया आपको तस्वीरों में, बल्टाना का जो पुलिस चौकी है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, और प्रशासन वहां पर भी, पुलिस प्रशासन खुद प्रशासन की मदद की गुहार करता नजर आ रहा है। फिलहाल आपसे इस खबर के अलावा सर एक आपसे एक सवाल जरूर करना चाहेंगे कि
शनिवार और रविवार दो दिन दुकानें रहती हैं बंद। हाँ जी। अब जो शराब के ठेके हैं, क्या आपको लगता है कि शनिवार और रविवार को शराब के ठेके ही बंद होने चाहिए? नहीं बंद होएंगे जी वो। नहीं बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए सर। क्योंकि सरकार की उससे ज्यादा कमाई है, इसकी वजह से सर कमाई है गवर्नमेंट को। मतलब कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, छोटा व्यापारी है, रेडी फड़ी अगर बात करी जाए, छोटे दुकानदार जो हैं, उनसे सरकार को कोरोना का भय और संक्रमण की गति बढ़ने की ज्यादा दिक्कत है। लेकिन बात करी जाए शराब की, ठेके से कोई कोरोना नहीं होता। तो सर आप सर देखिए सैनिटाइजर से जो कोरोना है वो भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं शराब में एल्कोहल होता है, तो शायद सरकार को लगता हो एल्कोहल की वजह से बच जाएगा। ये तो लोगों को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना। मतलब व्यापारी वर्ग जो है वो परेशान हो रहा है। मर गया जी, मर गया, बिल्कुल व्यापारी मर गया। हम डीलर है, हम मर गए जी, हमारे पास काम ही नहीं है। हमारे पास शनिवार एतवार को काम होता है, उस टाइम छुट्टी हो जाती है। अच्छा दूसरी बात, एक और बात करना चाहेंगे आपसे, आप जनरल सा क्वेश्चन है, इसके अलावा हम आपका दुख के साथ हैं, आपकी दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, पर एक सवाल और है, विपरीत सवाल है वो, कि शाम के टाइम जब फैक्ट्रियां होती हैं 8 बजे बंद हो जाती हैं, 6-7 बजे तक फैक्ट्रियां अमूमन बंद हो जाती हैं, अब जो लेबर या मजदूर वहां पर काम करती है वो अपने दुकानदार जो जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते जब यहां पर पहुंच के अपने सामान की खरीदारी करने की कोशिश करती है तो दुकानें सारी बंद मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उन दुकानदारों का टाइम 1-2 घंटे बढ़ा नहीं देना चाहिए? बढ़ाना तो चाहिए जी, बाकी प्रशासन सबसे बड़ा है, प्रशासन और शासन सबसे बड़े हैं। आम नागरिक, हम एक बोने नागरिक हैं और हम बोने सरकार के आगे बिल्कुल बोने और नतमस्तक हैं। फिलहाल हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम प्रशासन को, मानसून चल रहा है, बारिशों का मौसम चल रहा है, कम से कम जो रोड हैं, जो गलियां हैं, जो सीवरेज हैं, कम से कम उनको तो सही रखना चाहिए। और फिलहाल बात करी जाए सिंगला प्रॉपर्टी, जो ये हाल दिखाएंगे खुद अपने हाथों से लगकर अपने व्यवस्थाओं को खुद, और एक बार देखना जरूर चाहेंगे, कैमरा में खुद पकड़ लेता हूँ, एक बार जरूर दिखाना चाहेंगे गटर ये जाम है या नहीं, क्योंकि गटर जाम होने की व्यवस्था जो है वो खुद प्रशासन ने गलती है, प्रशासन की गलती है, और ये दिखाएंगे गटर जाम था, और जो ये निकालते समय ये बल ये लोहे की रॉड से जब ये खोला गया तो इनको भाई साहब को चोट जरूर आ गई है। तो प्रशासन की कमियां जो है वो दिखाते दिखाते हम भी थक जाएंगे, लेकिन जितना हो सके आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि खबर जो है आगे पहुंच सके आला अधिकारियों तक, और आला अधिकारियों की जो नींद है वो खुल सके, क्योंकि आला अधिकारियों की नींद जो है फिलहाल वो कौन सी ऐसी गोली खा के सोए हैं जो कि उनकी नींद खुलती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी कमियों के घेरे में घेरता नजर आ रहा है। प्रशासन की बात करी जाए तो पुलिस प्रशासन जो है वो खुद अपनी जो कमियां हैं वो पुलिस प्रशासन खुद प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उससे नाखुश नजर आया, अभी हमने आपको खबरों में दिखाया। तो अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहे विजय केसरी के साथ, दीजिए मुझे जय हिंद जय भारत, जय विजय केसरी।